दोस्तों आज ईद का दिन है, हम नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और आज का व्लॉग भी हम बनाएंगे और फिर आप इंशाल्लाह हमारा व्लॉग पूरा देखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। चले दोस्तों हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने साथ ही मस्जिद में। मस्जिद की टाइमिंग है 7:15, बस कुछ टाइम ही पड़ा है, 10 मिनट पड़े हैं, हम मस्जिद पहुँचते हैं, इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट भी आपको दिखाएँगे। ये देखें भाई, और भाई भी आपके सामने ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम भी उधर सामने ही मस्जिद जा रहे हैं, हम भी ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाएंगे और एक दूसरे को ईद मुबारक देंगे। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली उनको भी मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। अब ईद की नमाज़ तो नहीं पढ़े लेकिन आपको मेरी तरफ़ से एडवांस ईद मुबारक हो। ईद का दिन है, कुछ भाइयों ने पढ़ ली होगी, कुछ भाइयों ने नहीं पढ़ी। दोस्तों हमने ईद की नमाज़ पढ़ ली है और आप सब भाइयों को भी ईद की मुबारक हो। अभी हम जा रहे हैं बकरा लेने, जो उसकी करेंगे कुर्बानी, वो सीन भी आपको दिखाएंगे। चलें दोस्तों, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है ईद की नमाज़ पढ़ी है और जब ईद की नमाज़ पढ़ के बाहर आए हैं तो हमारे शूज़ जो है ना, जूती मीन चोरी हो गई है, किसी भाई ने जूती उठा ली है और जो जूती हमें मिली है वो आप देखेंगे तो आप हंसी के बायस हंसते ही जाएंगे। ये वो जूती है जो मुझे मिली है, जो ना इंसान पहन सकता है ना पहन के जा सकता है। ये कुर्बानी के बकरे हैं, आज 3 बकरों में से एक बकरे को जो है ना करेंगे कुर्बानी। ये देखें जी, ये बकरा है, आज हम इसकी करेंगे कुर्बानी। देखें यार, ये बकरा बहुत तेज है, जो है ना तेजी से भाग रहा है। तूने जाना कहीं नहीं, जाना हमारे पेट में ही है, जितना मर्जी भाग ले। कुछ टाइम है इस बकरे के पास और फिर इंशाल्लाह इसकी कुर्बानी करेंगे। ये मेरे कजन है, सीधे साधे बहुत, और मेरा भाई बकरे बनावने बकरे उसका घर वेदे पे वे। हम जैसे ही मंजिल के करीब पहुंचे बकरा बेचारा परेशान। ये देखिए दोस्तों, आज जो है ना मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ। देखिए मैं गांव की तरफ जा रहे हैं। देखिए दोस्तों गांव की तरफ, देखिए गरीब भी है। देखिए जी, ये गांव का माहौल है, नहर है और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दरख्त है यहाँ पे। और ये मेरे गांव की तरफ रास्ते जाते हैं मोटर बाइक पे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना कुर्बानी का कोई हिस्सा था वो लेना है तो वो लेने जाएंगे इंशाल्लाह काइंडली। उधर भी जो है ना जो भी भाई होगी आपसे मुलाकात कराएंगे। ये देखें बच्चे साइकिल चला रहे हैं और मौसम भी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी धूप और कभी थोड़े बादल वगैरह, बारिश आने के भी चांसेस हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। ईद का पहला दिन आप लोग बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जिसकी भाई ने मेरी ये वीडियो देखी तो उसको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और भाई आप सब खैरियत से काइंडली मैं बस पूछ से, और आज का हमारा जो सफ़र है वो है शाम जा रहे हैं। रास्ते में क्या है वो भी आपको दिखाएंगे और क्या करेंगे और दोस्तों काइंडली आपको दिखाएंगे और साथ में लेकर आएंगे सब आप बड़े जानवर में ट्रिप कर रहे थे। दोस्तों कितना प्यारा माहौल है गांव में, खुली हवा खुली फिजा और सुकून जिंदगी है गांव की। ये देखिए दोस्तों मौसम काफ़ी हद तक खराब है, बादल वगैरह है, बारिश आने के चांसेस हैं भी और नहीं भी, देखें क्या होता है। ये देखिए दोस्तों मैं अपने गांव की तरफ पहुँच ही चुका हूँ, मैं और मेरा कज़न इंशाल्लाह अंदर जाएंगे और देखेंगे रेडी। देखिए दोस्तों आपने देखा था गांव गए थे, वहाँ से जो है ना गोश्त लिया था और वापस घर आए थे। अभी हमने गोश्त बनाया था वो आपने देखा है। अभी हम जा रहे हैं मंगूम वाली और छोटा भाई आया है उसको लेने, माशाल्लाह कुरान का हाफिज़ है, चलो उसको लेते हैं। और मौसम भी बहुत ख़राब है,
देखें दोस्तों, हम जा रहे हैं और मौसम भी आपके सामने है। मौसम की काफ़ी ख़राब है। ये देखें बादल वगैरह भी आए हुए हैं इधर और बारिश के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। ये ईद का फर्स्ट डे का जो है ना हमारा ब्लॉग है, ये भी देखें कम्प्लीट करते हैं। चले ये देखें हम कितने दूर तक जाते हैं आपके सामने, मैं भी और साथ में, देखिए साथ में मेरा छोटा भाई भी है और मैं भी और साथ में कज़न है। हम जा रहे हैं आपके सामने, आप भी बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट डे में आप देखेंगे सेकंड डे इसके, हम इंशाल्लाह कहीं इंजॉय करने जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं, कौन कौन हमारे साथ जाता है, आपको भी इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट करवाएंगे। छोटा भाई क्या जा रहे हैं, देखें छोटा भाई कितना ज़्यादा खुश हो रहा है। देखें भाई मौसम के हालात आपके सामने, कितना ज़्यादा बादल है और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बारिश आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ कुछ सूरज भी निकलने के चांसेस हैं। हम तो लेने गए थे भाई को, लेकिन भाई को आगे से लिफ्ट मिल गई, वो आ रहा है, लेकिन हम भी फिर इस वजह से वापस जा रहे हैं। चले दोस्तों आगे, नेक्स्ट हम जो है ना तो फिर दोबारा नहाएंगे, क्योंकि कपड़े वगैरह गंदे हो चुके हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह बनाए, इस वजह से फ्रेश होते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हम नेक्स्ट अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए जी भाई आ चुके हैं, अभी हम चलते हैं घर। दोस्तों घर से हो लिया हमने, उसके बाद कपड़े चेंज कर लिए हम और अभी हम बाहर आए हैं मामू के घर की तरफ, तो चलते हैं और कुछ आपको दिखाते हैं। और